कोरोना वैक्सीन लेने के ठीक एक दिन बाद स्वास्थ्य कर्मी की मौत का मामला सामने आया है। मृतक मनु पहन के परिजनों का कहना है कि उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। आपको बता दें कि मनु पहन ने 1 फरवरी को वैक्सीन ली थी, जिसके बाद अचानक उनकी 2 फरवरी को मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा चल पाएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं इन्फेक्शन तो नहीं कर गया? COVID-19 का इंजेक्शन कोई इन्फेक्शन तो नहीं कर गया? कैसे ऐसा हुआ? हम लोग जानकारी लेने के लिए हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, और हम लोग को अगले दिन पेपर रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा ना, कहीं भी जरूरत लगेगा तो हम लोग को काम आ सकता है, इसलिए हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सुबह में पता चला, मेदांता के सुपरिटेंडेंट को फ़ोन आया था, तो उन्होंने जो बताया कि वो बिल्कुल वैक्सीन लेने के बाद बिल्कुल ठीक था वो, और उसके बाद कल रात में आग वगैरह तापता था, आग तापने के बाद वो जस्ट बाहर गया था, शौचालय गया था, और वहीं पर वो गिर करके उसका डेथ हो गया। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसके वजह से हम लोग यह कह सके कि वैक्सीनेशन के कारण डेथ हुआ। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं रांची से, कृष्णा। कृष्णा, वैक्सीन लेने के ठीक एक दिन के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्या कुछ खुलासे हो पाए? देखिए, अभी तो ऐसा पहला ऐसा जो केस है कि कभी पूरे भारत की हम मैं बात करूं तो कि पहला केस है कि ऐसा सामने आया है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद किसी की मौत हुई है। अभी तक थोड़ी ऐसे खबरें आ रही थी कि कहीं कहीं से कि किसी का चक्कर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मगर ऐसा केस पहली बार आया, वो भी रांची के मेदांता हॉस्पिटल से आ रहा है। मगर अभी ऐसा सरकार की तरफ से कुछ ऐसी खबरें सामने नहीं आई है कि सरकार ने इसको सेटिस्फाइड नहीं किया है कि नहीं कोरोना वैक्सीन के बाद ही मौत हुई। मगर परिवार वालों का कहना है कि कोरोना पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद ही, जो कोविशील्ड है उसको लेने के बाद ही। मृतक के पोस्टमार्टम, मृतक की पोस्टमार्टम हुई होगी, क्या पोस्टमार्टम के बाद कोई जानकारी मिल पाई है कि मौत के क्या कारण रहे होंगे? देखिए, अभी ऐसा मैं बता रहा हूँ कि अभी ऐसा कोई अपडेट सरकार की तरफ से नहीं आया है कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद ही मृतक की मौत हुई है, पहले क्या हुआ है। अभी जैसे जो इस बारे में जो अपडेट आता है तो उसके बाद मैं बताऊंगा, मगर जो अभी परिवारजन है, जो मृतक की बहू है, वो कह रही है, उनका दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद ही मौत हुई है, पहले इनको कोई बीमारी नहीं थी। मगर कृष्णा, क्या इस मामले पर डॉक्टरों ने कुछ टिप्पणी की है? डॉक्टर ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है जिससे कि अभी पता लगेगी कोविशील्ड बीमारी के बाद ही मौत हुई है उनकी। मगर अब जैसा भी जो भी अपडेट आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। मगर आपको एक चीज बता दूं कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसको लेकर के कि डॉक्टर मदन मोहन मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेदंता के जानकारी प्राप्त हो रहा है कि मनु पहन, जिनकी उम्र 52 साल थी, वो इरवा रांची के इंडस्ट्री विभाग में कार्यरत थे। उनको 1 फरवरी को 12:55 कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया था। उसके बाद इस कोविशील्ड की एक्सपायरी 29 अप्रैल 2021 को था, मगर उसके आधे घंटे तक उन्हें ऑब्जेक्शन रूम में रखा गया। इस दौरान उन्हें किसी प्रकार की प्रतिकूल शिकायत नहीं मिली। उसके बाद वो घर चले गए थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर हॉस्पिटल लाया जाता है, उसके बाद एक दिन बाद इसकी मौत हो जाती है। मगर मैं अभी वही बता रहा हूँ। चलिए कृष्णा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आके भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।